हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ देसी घी वाले राजमा चावल के ओरिजिनल प्लेस पे खाने के लिए, देसी घी वाले राजमा चावल। तो पीड़ा में जाने से पहले हम यहाँ टिकरी माता के दर्शन कर लेते हैं, तो आप मेरे साथ आप भी दर्शन कर लें। तो ये आ गया मंदिर, यहाँ पर पहले से देखो लोग दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं, तो हम भी यहाँ पर अपनी बाइक लगा लेते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर की आप ब्यूटी चेक कर सकते हो, कितना बड़ा मंदिर है। देखो इसके नीचे वाली साइड पे भी मंदिर है और मेन हाईवे रोड के साथ भी ये छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है दर्शन करने के लिए। पहले हम हाथ धो लेते हैं, उसके बाद मंदिर के दर्शन करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये छोटा सा मंदिर मेन रोड पे है, बाकी का जो बड़ा मंदिर है वो नीचे वाली साइड पे है। जैसा आपने देखा, ये बेसिकली बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ज़्यादा एरिया तक फैला हुआ है। ये देखो, ये हाईवे के साथ टच है, यहाँ पर भंडारा वगैरह भी होता है। तो निकल पड़े हम अपनी डेस्टिनेशन पे। ये आगे नासिर टनल, जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद टनल भी कहते हैं। ये रोड टनल में सबसे बड़ी टनल है। यहाँ पे नई भी ओवरटेकिंग कर रही है, वहाँ पे तो ये ओवरटेकिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारी टनल खत्म, और इसी के साथ अभी आने वाला है हमारा डेस्टिनेशन, जहाँ हम देसी घी वाले राजमा चावल खाने वाले हैं। ये यहाँ से जैसे टोल थोड़ा सा क्रॉस किया और लगभग मुझे लगता है ये 200 मीटर या 300 मीटर की दूरी भी होगा। तो ये आगे हमारी डेस्टिनेशन, देख सकते हैं आप, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं शॉप को। तो ये दोस्तों टनल से आई थिंक 300 मीटर या 400 मीटर यानी कि आधे किलोमीटर से कम ही होगा। ये रहा शर्मा राजमा राइस हट। तो मैं आज पहुँच चुका हूँ शर्मा राजमा राइस हट के पास। यहाँ पर देसी घी वाले राजमा चावल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। सुबह 8 बजे निकला था और 10 बजे मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो ये आगे भाई देसी घी वाले राजमा चावल अनारदाना चटनी के साथ। ये रहे देसी घी वाले राजमा चावल, इसमें डालेंगे थोड़ी सी अनारदाना की चटनी। मजा आ गया यार सुबह सुबह, फिर से मन कर ही गया। बहुत बढ़िया दोस्तों। वैसे तो मैं घर से ब्रेकफास्ट करके निकला था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का मतलब फ्लेवर इतना अच्छा है कि रुका नहीं जाता। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 बजे देखो मैं चावल खा रहा हूँ। टेस्टी बहुत देसी घी वाला राजमा चावल। और ये अनारदाने की चटनी ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी चटनी, खट्टी खट्टी, बहुत अच्छा फ्लेवर। बहुत बढ़िया। तो भाई फुल रिकमेंडेशन है, अगर कभी भी श्रीनगर आओ, जम्मू टू श्रीनगर वाले रोड पे आओगे तो नासरी टनल के पास ये शॉप है, बिल्कुल ही कोई 100-200 मीटर की दूरी पे ये शॉप है, शर्मा राजमा राइस हट है। बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। पहले ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन
मैंने जब से इनके यहाँ खाया हुआ है, मैंने पहले शॉर्ट्स भी डाला था काफ़ी टाइम पहले, तो तब से लेके आज तक मैं यहीं पर ही कंटिन्यू आ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनाते हैं। अगर आप यहाँ पर पहले आ चुके हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। शॉप का नाम मैं फिर से बता दूँ, शर्मा राजमा राइस हट है। तो अगर आप यहाँ पर पहले आ चुके हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि अगर आपने यहाँ टेस्ट किया तो आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। मेरे तो बोलूँगा फिलहाल अभी तक तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं चाहूँगा कि आप खुद आओ और खुद टेस्ट करके देखो कि आपको कैसा यहाँ का टेस्ट लगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपको व्लॉग कैसा लगा। तो मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय दोस्तों।